कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। देखिए देश भर के अंदर सिंधी समाज में एक आक्रोश है। सिंधी समाज के अंदर क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा छद्म रूप से और धर्मांतरण कराया जा रहा है, बहलाकर फुसला करके उनको धोखा दे करके प्रलोभन दे करके, और ये अनैतिक काम हो रहा है। उसके कारण से सिंधी समाज में बहुत बड़ा आक्रोश है। महाराष्ट्र के और अन्य प्रांतों के सिंधी समाज एकत्रित हुआ है। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद से इस संबंध में सहयोग लेने की इच्छा जाहिर की। विश्व हिंदू परिषद ने नागपुर में पिछले 2 महीने पहले नागपुर में सिंधी समाज की बैठक की थी और उसमें कुछ इस संबंध में काम करने के निर्णय लिए गए। इसी प्रकार से उल्लासनगर में भी इस प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है। उल्लासनगर के सभी दरबार के प्रमुख लोगों ने ये सहायता देने के लिए रिक्वेस्ट किया और आज यहाँ उल्लासनगर के अनेक दरबार सिंधी दरबार के लोग एकत्रित हुए, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी एकत्रित हुए, अन्य समाज के बंधु आए और उन्होंने निर्णय लिया कि अब हम इस सिंधी समाज के अंदर धर्मांतरण के षड्यंत्र को नहीं चलने देंगे। जो लोग हमारे से बिछड़ गए, दूसरे धर्म में धोखे से चले गए, उनको वापस लेके आएंगे। समाज उनकी पूरी तरीके से चिंता करेगा। लव जिहाद के संबंध में भी सिंधी समाज पीड़ित है। आज देश भर में साल भर में 50,000 लड़कियां केवल सिंधी समाज की और मुसलमानों के लड़कों के द्वारा फंसाई जाती है और उनसे निकाह किया जाता है, उनका धर्मांतरण किया जाता है। वह भी असंवैधानिक है, अनैतिक काम है। विश्व हिंदू परिषद के प्रयत्न से अनेक लड़कियां वापस आती हैं और इस संबंध में भी हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और जिस प्रकार से क्रिश्चियन मिशनरीज चंगाई सभाएं कर रही है, वो इस प्रकार से अंधविश्वास कुरीति इस समाज के अंदर बढ़ा रही है, धोखा दे रही है, अनैतिक ढंग से प्रार्थना सभाएं कर रही हैं, असंवैधानिक चर्च खोल रही है, उस संबंध में भी विश्व हिंदू परिषद और सिंधी समाज मिलकर के कार्य करेगा। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें।